हेलो दोस्तों, बियर साउंड में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों आज क्या है अपना डेनेटा का जो है दोस्तों मिक्सर जो है 24 चलने वाला वो जो है आज मैं टेस्ट करने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों जब से मैं लिया हूं तब से क्या अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया हूं और अभी क्या है कुछ दिनों के बाद मेरा थोड़ा अच्छा खासा क्या दोस्तों लाइव प्रोग्राम किया दोस्तों वो आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए क्या मुझे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने उसको प्रैक्टिस नहीं किया हुआ। और उसके साथ क्या है अपना बायोलॉग भी किया दोस्तों, बहुत ने भी कॉमेंट किया हुआ है, काफ़ी दिन हो गए कमेंट किया हुआ है उसके ऊपर क्या है टेस्टिंग वीडियो ले आओ, टेस्टिंग वीडियो ले आओ। ठीक है, तो मैंने सोचा कि दोस्तों आज मेरा क्या है प्रैक्टिस के साथ साथ मैं आप लोगों को भी टेस्टिंग वीडियो देने वाला हूं। दोस्तों इस वीडियो में क्या है जो मुझे पहले तो मेरे पास आप लोगों को पता है मेरे पास मिक्सर कौन सा है, साउंडक्राफ्ट का 8 EPM। ठीक है, तो दोस्तों उसमें क्या मुझे बहुत साउंड बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी मुझे मिला है। तो ठीक है, तो लाइव प्रोग्राम क्या दोस्तों ज़्यादातर क्या है मेरा उसी मिक्सर के चलते क्या मेरा नाम थोड़ा बहुत नाम हुआ है आज अभी तक, तो क्या ज़्यादा तो नहीं है थोड़ा बहुत नाम है कि उसमें क्या दोस्तों क्वालिटी अच्छा खासा दे पाता है। ठीक है, उस नाम पर अभी हम चेक करने वाला है कि ये जो मिक्सर जो है दोस्तों साउंडक्राफ्ट की तरह वो अच्छा क्वालिटी दे पाता है कि नहीं। दोस्तों आज हम चेक करने वाले हैं और आप लोगों के सामने दोस्तों चेक करने वाला हूँ, और जब मुझे अच्छा लगे तो दोस्तों क्या है इसी वीडियो में मैं बोल दूँगा कि अच्छा है या नहीं है, जो है मैं सच बोलने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है, तो आज मैं उसमें क्या जो झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगा, जो है जो मुझे लगा वही बोलने की कोशिश करूँ। क्योंकि दोस्तों कोई भी वीडियो में क्या दोस्तों में हम क्या है अपना जब वीडियो बनाते हैं तो हम झूठ मूठ जब बोल देते हैं दोस्तों क्या उसमें क्या अपना भाई लोग भी क्या उसमें फंसने का चांस ज़्यादा रहता है। क्योंकि जैसे कि मैं इस मिक्सर में बोल दूंगा कि ये बहुत बड़ा मिक्सर है, ये है वो दोस्तों बोले इसे मेरा वीडियो को देखे क्या दोस्तों अपना भाई भी क्या है उस मिक्सर को ले सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम ना करते हुए अच्छा तो अच्छा है तो खराब तो खराब दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को बोलने कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए क्या है मैं यूज़ करने वाला हूँ मेरा टॉप तो दोस्तों मैं नहीं निकालूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये जो है दोस्तों आहूजा का 2 लेने वाला हूँ, और ये जो है अपना ये जो मोनिटर दोस्तों मेरे पास 2 मोनिटर है। ठीक है, तो उसको मैं यूज़ करने वाला हूँ, और मैंने दोस्तों क्या है इसमें फीडबैक डिस्टर्बर मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि लाइव प्रोग्राम में दोस्तों आप लोगों को पता है उसमें क्या होता है कि बड़ा स्पीकर होता है। ठीक है, बड़ा स्पीकर होता है लेकिन उसमें क्या दोस्तों फीडबैक डिस्टर्बेंस इस्तेमाल नहीं करता, ओनली फॉर मोनिटर के ऊपर यूज़ करता है। तो इसलिए क्या है मेरे पास इतना निकाल समय तो है नहीं, तो इसलिए क्या ओनली फॉर इसके ऊपर यूज़ करूँगा लेकिन फीडबैक डिस्टर्बर मैं यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या है बाहर लेआउट करके फिर हम टेस्टिंग शुरू करते हैं। हमने इसको क्या है सेट कर दिया है, मतलब सेट मतलब मैंने मिक्सर पर लगा दिया है और कनेक्शन वगैरह दोस्तों दे दिया, अभी तक मैंने ऑन नहीं किया है। ठीक है, इसको भी क्या है दोस्तों ये जो है मैंने सबसे पहले अभी इसको टेस्ट करने वाला हूँ, ये जो है दोस्तों एनलैब्स का U1। ठीक है, तो दोस्तों उसका क्वालिटी अच्छा है तो शार्पनेस है, तो मेरे को लगता है कि ये इसमें फीडबैक मार सकता है, तो उसी चीज़ को हम इस पहले इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये अपना ये जो मॉनिटर जो है, ठीक है ये मॉनिटर है, उसके बाद जो है ये जो है बी और डी जो है ये है फीडबैक मास्टर, बोले तो आहूजा का, आहूजा नहीं बोलूँगा, 12 इंची का स्पीकर। ठीक है दोस्तों, वो ये क्या बहुत फीडबैक मारता है, तो इनको मैंने साइड कर दिया है। ठीक है, तो ए चैनल मैंने उसको ये किया हुआ है, तो ए को मैं सेम वही वॉल्यूम जो दोस्तों 80 में उठा के रखता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मोटर में क्या दोस्तों इतना वॉल्यूम नहीं देता है क्योंकि इसका जो है आवाज़ जो है दोस्तों हल्का देते हैं, फिर हम अपना जो टॉप का जो साइड का जो टॉप जो दोस्तों उससे क्या है कवर होकर थोड़ा बहुत अपने को उसको देना होता है। लेकिन क्या है मैं आज मेरे पास टॉप नहीं होने के चलते मैं क्या दोस्तों 80% गेन में उठा कर रख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें अपने को चेक करना है दोस्तों फीडबैक क्या है, कोई भी मिक्सर दोस्तों क्वालिटी क्या है निकाल के दे सकता है लेकिन फीडबैक ना होने भी नहीं चाहिए। ठीक है, फीडबैक ना होकर जो क्वालिटी दे पाता है दोस्तों उसको अच्छा मिक्सर बोला जाता है। लेकिन इसमें क्वालिटी तो मैंने दोस्तों MP3 मैंने एक बार चला के देखा था तो उसमें ठीक ठाक लगा मुझे। ठीक है, लेकिन अभी इसको भी क्या है प्रॉपर हम चेक करने वाले हैं, तो इसको हमने फिट कर दिया है दोस्तों, अभी हम टेस्टिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कैमरा को मैं बिल्कुल नज़दीक खड़ा कर देता हूँ, ठीक है अपना मिक्सर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग भी पता चले कि ये कौन सा क्या एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो है दोस्तों फेडर को मैं उठाते भी दिखाते रहूँगा आप लोगों को, और इसमें क्या दोस्तों मैं टेस्ट करने वाला हूँ ये जो है ये एनलैब्स का जो है U1। ठीक है दोस्तों, ये जो माइक जो है एनलैब्स का U1 माइक मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, फर्स्ट टेस्टिंग इसके ऊपर करेंगे क्योंकि ये जो है दोस्तों मेरा मेन जो है आँख से आउट किया हुआ है, तो मैंने आँख को ही कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैंने 1 भी दिया हुआ U1 का माइक। ठीक है, मैं इसको ऑन कर दिया, अब मैं टेस्टिंग शुरू करते हैं। ठीक है, ये जो दोस्तों सेटिंग जो है सेटिंग अपना जैसे मैंने जो साउंड क्राफ्ट दोस्तों जो मिक्सर में लिया था, ठीक है तो सेम ऐसे ही सेटिंग मैंने करके रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, हेलो 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 माय टेस्टिंग दोस्तों, पहले भी बता चुका हूँ अभी भी फिर दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, इसमें क्या मैं क्या नाम बोलते हैं अपना दृष्टि फीडबैक डिस्टर्बर दोस्तों मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फीडबैक डिस्टर्बर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, और दूसरा क्या है इसमें
अच्छा खासा वॉल्यूम में खोल के दे रहा हूँ ताकि दोस्तों क्या है आप लोगों को पता भी चले कि, और दूसरा ये है कि ये जो है मेरा मिक्सर जो है कितना किस चीज़ को क्या है हैंडल करने पर फीडबैक मतलब उसको कंट्रोल कर सकते दोस्तों, उस चीज़ को भी मैं जान सके, इसलिए क्या मैंने वॉल्यूम अच्छा सा खोल रखा है। वैसे तो क्या दोस्तों क्या वॉल्यूम उतना मोटर के ऊपर उतना खोलता नहीं है, ठीक है, मोटर ओनली फॉर जस्ट हल्का फुल्का क्या है आपका मेन आउटपुट का जो सपोर्टिंग का साउंड को सपोर्ट करके आपका सिंगर या इंस्ट्रूमेंट के जो 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 भी है तो उनका तक दोस्तों पहुंचाने के लिए होता है, तो इसलिए क्या उतना अच्छा खासा साउंड खुल के नहीं देता है, ठीक है, मिक्सर के ऊपर अपना मोटर के ऊपर दोस्तों। आप लोग उस चीज़ के ऊपर पता है, आप लोगों को भी क्या है दोस्तों साउंड के लाइन में है तो पता भी होगा। तो दोस्तों इसमें क्या है अभी हम चेक करने वाले हैं U1 इसके ऊपर, ठीक है, ये जो है मैंने एच को मैंने अच्छा सा खोल रखा है और ये जो है मिक को मैंने कहा था उठा रखा हुआ, आप लोग अभी देख रहे होंगे और ठीक है, और इसमें भी क्या है इसको ये जो है बेस को मैंने खोल के रखा हुआ है, प्लस ये जो है लो कट में ऑन कर दिया और ये जो हार्स को भी मैंने इसका ऊपर जो हाई इसको जो है हाइस को जो है इसको भी मैंने थोड़ा बढ़ा कर रखा हुआ, ठीक है। तो अभी हम टेस्टिंग शुरू करते हैं इफेक्ट देके। हेलो 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 माय टेस्टिंग हेलो हेलो माय टेस्टिंग चेक 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 दोस्तों, ठीक है, तो इतना ही होता है मॉनिटर आउटपुट में, ठीक है। तो अभी मैं क्या है मॉनिटर जो है और उठाने वाला हूँ, मोटर मतलब फीडबैक फेडर जो है दोस्तों और मैं उठाने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मैं फेडर को उठा देता हूँ यहाँ से, अभी क्या है कितना उठा गया है ये जो है दोस्तों -10 पे आ गया है, क्योंकि -10 में क्या है दोस्तों ये फीडबैक इस पर आ रहा है कि ये जो दोस्तों माइक जो है ये माइक जो दोस्तों इसका गेन अच्छा खासा है, ठीक है, गेन अच्छा इसलिए कि दोस्तों यहाँ पे इसका रिसीवर जो है उसमें भी वॉल्यूम दे रखा है, तो उसमें भी मैंने वॉल्यूम खोल रखा है, चलते इसका गेन अच्छा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या है उठा लेता हूँ, उतना वॉल्यूम नहीं होता है। हेलो माय टेस्टिंग चेक हेलो अब मैं फीडबैक के लिए दोस्तों मैं उठाता हूँ, ठीक है। हेलो माय टेस्टिंग चेक 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 हेलो हेलो माय टेस्टिंग 1 2 3 टेस्टिंग चेक चेक हेलो दोस्तों फीडबैक नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी ऐसे करने से शायद आ भी जाए, बोल नहीं सकता अभी यहाँ तक तो दोस्तों आ नहीं रहा है। अब मैं क्या है ऐसे ही ऐसे दोस्तों ऐसे करने से क्या दोस्तों क्या फीडबैक बहुत मारता है, ठीक है। तो हमें ऐसे हाथ लगा के बंद करके अब मैं फीडबैक कहाँ से कंट्रोल करता है उसको मैं देखने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग समय भी बंद करने वाला हूँ। हेलो 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 माय टेस्टिंग हेलो दोस्तों ऐसा डक के बोलने से क्या है फीडबैक बहुत मारते हैं। हेलो हेलो माय टेस्टिंग हेलो 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 माय टेस्टिंग हेलो 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 चेक चेक हेलो चेक चेक हेलो माय टेस्टिंग चेक 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 आप लोग दिखाने के लिए हेलो चेक चेक ठीक है दोस्तों। तो उसमें क्या है इतना ढकने के बाद भी दोस्तों फीडबैक क्या है बहुत ही कम है, यहाँ तक कि मैंने क्या अपना ये जो है मॉनिटर जो दोस्तों अच्छा खासा वॉल्यूम खोलने के बावजूद भी, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सा मैं गेन को बढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, देखते हैं गेन बढ़ाने पर कितना क्या होता है। हेलो 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 माय टेस्टिंग हेलो 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 दोस्तों इस कंडीशन में क्या है हल्का फुल्का फीडबैक आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हेलो हेलो माय टेस्टिंग हेलो और थोड़ा गेन बढ़ा देते हैं दोस्तों, और थोड़ा गेन बढ़ाते हैं। हेलो 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 माय टेस्टिंग हेलो 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 चेक 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 हेलो देखो दोस्तों अभी फीडबैक क्या है ना कि बराबर हो गया है। हेलो माय टेस्टिंग चेयर चेयर हेलो ठीक है दोस्तों। अभी मैंने क्या है फेडर कहां तक उठा रखा है आप लोगों को पता भी चल गया होगा और इसका वॉल्यूम भी बहुत तेज है, बहुत ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो क्या है अभी मैं माइक ऐसा कर रहा था तो इसलिए क्या है ये दोस्तों ये जो ये कौन सा बटन क्या है इसलिए क्या है दोस्तों माइक ऐसे करने पर हल्का फुल्का ले भी रहा है, ऐसे करूँगा तो नहीं लेगा, ऐसे करूँगा तो नहीं लेगा, और ऐसे करने पर क्या थोड़ा 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 ले रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि दोस्तों इसका पोलर बटन को भी ऊपर डिपेंड भी करता है, ठीक है। तो दोस्तों इस माइक में तो आप लोग को पता चल गया कि क्या क्वालिटी है क्या है और मतलब मिक्सर का क्या क्वालिटी है, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया कि इसका गेन अच्छा होने के चलते, ठीक है। तो आप लोगों क्या दोस्तों प्रॉपर पता करने के लिए मैं श्योर माइक को अभी भी दोस्तों चेक करने वाला, ठीक है। तो क्योंकि ये तो नॉर्मल माइक है दोस्तों, इसमें कोई गेन एक्स्ट्रा गेन का ऑप्शन नहीं है, तो इसमें भी आप लोगों को अच्छा खासा पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ दोस्तों। अभी हम दोस्तों अभी आप क्या है आ गया है ये जो है श्योर का माइक जो है, ठीक है। श्योर का माइक के लिए मैं ये भी देख लो, देखो तो मैं कहाँ तक गेन उठा रखा हूँ। हेलो हेलो माय टेस्टिंग हेलो हेलो
हेलो माय टेस्टिंग, हेलो 1 2 3 चेक चेक चेक, हेलो हेलो। दोस्तों देखो, अपना इतना खोलने के बावजूद भी फीडबैक नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें मैंने इफेक्ट भी दे रखा है, इफेक्ट नहीं दिया है तो बात कुछ और है। इफेक्ट देने के बावजूद भी मतलब क्या है ये, और इफेक्ट थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो इफेक्ट दोस्तों इतना देने के बावजूद भी क्या है दोस्तों, फीडबैक ना के बराबर है, ठीक है। आप लोग भी अभी हेडफोन लगाए हैं तो सुनाई भी दे रहा होगा कि क्या है क्वालिटी इसका, कैसा है, ठीक है। दोस्तों क्वालिटी भी ठीक है, क्योंकि इसमें दोस्तों आउटपुट में तो क्या है, इस मिक्सर में इक्यू वगैरह है, लेकिन दोस्तों ये जो है मॉनिटर का है तो ओनली फॉर इस फेडर से और डायरेक्ट आउट होता है, ठीक है। इस फेडर पर कंट्रोल करता है, बाकी अदर पे नहीं है, क्योंकि मैंने आक्स आउट पे लिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यह भी आप लोग पता चल गया है यहाँ इसका क्वालिटी कैसा है, ठीक। तो अभी मैं क्या है दोस्तों, इसके ऊपर मैं ये करने वाला हूँ, ये जो है इसका थोड़ा उठा रखा है ज़्यादा हाइज जो है इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, ठीक है। हेलो, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम क्या है इसको मैं ऐसा बंद करने वाला हूँ अभी, ठीक है दोस्तों। ऐसा बंद कर फिर मैं चेक करने वाला हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आ रहा दोस्तों, हल्का हल्का आ रहा है, मतलब कि 10% 15% आ रहा है, ठीक है। ये नहीं बोलूँगा नहीं आ रहा है, लेकिन दोस्तों कीमत के हिसाब से क्या है, ये जो है कीमत के हिसाब से बहुत अच्छा है, मैं तो बोलूँगा कीमत के हिसाब से बहुत अच्छा है। और रिकमेंड तो नहीं करूँगा कि आप लोग इसको लो, ठीक है। पैसा है तो इससे आगे भी जा सकता है, लेकिन हाँ ये बोलूँगा कि जिसके पास मेरा जैसा कोई बजट थोड़ा कम है तो आप इसको भी ले सकता है, ठीक है। साउंडक्राफ्ट का मिक्सर वगैरह दोस्तों मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, बढ़ा तो नहीं है, छोटा EPM जो है दोस्तों, इसका क्वालिटी भी अच्छा है, लेकिन इसका भी ठीक लगा मुझे। लेकिन दोस्तों इनमें से कौन सा अच्छा है, जब तक मैं सामने दोनों एक साथ क्या दोस्तों लगा के जब तक मैं टेस्ट नहीं करूँगा तो उसका क्वालिटी क्या है क्या नहीं वो नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों उसमें ही बता पाएंगे, लेकिन अभी तक तो क्या है दोस्तों ये मुझे ठीक लगा। अभी इसके वजह से मैं ऐसा टेस्ट किया था दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा टेस्ट था तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा दिया है। हेलो हेलो माय टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आप लोगों को भी पता चलेगा इसका क्या है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है वॉल्यूम अच्छा खोलने के चलते तो थोड़ा बहुत आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। अभी मैं क्या है गाना प्ले करके दोस्तों कुछ बोलने की कोशिश करूँगा। तो मेरा गाना क्या है दोस्तों, मतलब मेरा आवाज़ जो है गाना से भी ऊपर आता है कि नहीं, तो उसके ऊपर क्या थोड़ा बहुत मैं कंप्रेसर को भी चेक करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अभी क्या है वीडियो में दोस्तों बने रहना। हेलो हेलो मैटर सिंह, हेलो 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 मैटर सिंह, हेलो हेलो मैटर सिंह, हेलो 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 मैटर सिंह, हेलो हेलो दोस्तों, बिहार साहब में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों इस समय आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और वीडियो में दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों। Hello, hello, hello. दोस्तों अभी आप लोगों को क्वालिटी पता चले गया होगा कैसा है। देखो दोस्तों मैंने इतना बिग वॉल्यूम खोल रखा है, ठीक है, और इसको भी मैं गेन भी अच्छा खासा खोल रखा है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में क्या मैंने कंप्रेसर दे रखा था, ठीक है। तो कंप्रेसर चलते दोस्तों कंप्रेसर क्या फंक्शन है आप लोगों को पता चलेगा होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर भी जब हम बोलेंगे दोस्तों वो कंप्रेसर क्या है दोस्तों, थोड़ा बहुत कोशिश करता है कि उस गाने के ऊपर क्या है आपका वोकल को रेंट रखने के लिए कोशिश करता है दोस्तों, वैसे ही उसने भी ऐसे ही काम करके दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या ये चीज़ आप लोगों को चेक करके ये दिखाना था कि कैसा है कैसा नहीं है। तो मुझे तो दोस्तों क्या है ये वैल्यू फॉर मनी है, ये बोलूँगा मेरा वीडियो में यही होता है कि ज़्यादातर वीडियो वैल्यू फॉर मनी के ऊपर ही चेक होते हैं।
तो दोस्तों ये जो चेकिंग ये जो टेस्टिंग जो है आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि उसमें इस टेस्टिंग के दौरान कुछ कमी पेशी भी हो सकता है, तो उस चीज़ को भी आप लोग क्या है दोस्तों अपना कमेंट बॉक्स लिखना कि नेक्स्ट टेस्टिंग वगैरह में जब वीडियो होता है तो दोस्तों उसके ऊपर क्या है कुछ सुधार कर सके, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो आप लोग को देखते रहना है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अपने वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।